हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। देखिए बाल गोपाल जी की ये वाली ड्रेस बनाएंगे आज हम। बहुत ही प्यारी सी है, दो और तीन नंबर गोपाल जी में हमने बनाई है। और बैक ओपन चोली है इसकी, फ्रंट ओपन और बैक ओपन दोनों चोली हमने अपलोड कर दी है दो और तीन नंबर गोपाल जी की। हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या तो आप चैनल पर जा करके भी देख सकते हैं। तो इस वाला जो ड्रेस है वो आप हर साइज में बना सकते हैं, कोई भी साइज में बना सकते हैं। घेरा प्लेन बना लीजिए, बाद में आप ये वाली पैटर्न डाल दीजिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो जीरो नंबर्स में नहीं बनेगी। जीरो नंबर्स में बनानी है तो आप दो रो बना लीजिए, इसके बाद पैटर्न बना लीजिए। इसी तरह से आप जितनी भी बड़ी बनाना चाहते हैं प्लेन घेरा बढ़ा दीजिए, जितना आप रखना चाहते हैं उतना कर लीजिए, फिर इसके बाद पैटर्न बना दीजिए। और पैटर्न की दो रो है, दो रो में पैटर्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाना बहुत इजी है और ड्रेस ही बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और इसके साथ आप कोई भी मुकुट या कैप भी बना सकते हैं। दो और तीन नंबर गोपाल जी के लिए इस तरह का मुकुट भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। और ये वाला जो सिंपल बेस है वो आप किसी भी नंबर में गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। गोपाल जी का नाप कैसे लेते हैं इसका मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया है। तो वो वीडियो जाकर के अगर आप देखेंगे तो आपको इजीली ये जो सिंपल बेस बनाना है मुकुट का वो आप बना लेंगे। देखिए राधे राधे क्रोचेट हमने सर्च कर लिया है, ये हमारे चैनल का लोगो है। और इस पे वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो आ जाएंगे। देखिए ये वाला जो मुकुट के बेस का है तो इसमें बताया है गोपाल जी का नाप कैसे लेते हैं और ये वाला बेस कैसे बनाते हैं, तो इस पर जा करके आप देख सकते हैं। और दो और तीन नंबर गोपाल जी की चोली भी बैक ओपन और फ्रंट ओपन दोनों हमने अपलोड कर दी है। देखिए ये वाली है तो वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं या तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो देखिए चोली कंप्लीट हो गई है, स्लिप स्टिच के थ्रू हम साइड तक आ गए हैं। यहाँ पर साइड से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। चोली हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है लेकिन यहाँ तक हमने स्लिप स्टिच किया है और साइड तक आ गए है यहाँ। और यहाँ से अब हम चोली बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से आगे वाली में भी एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। और अब हम इसी जगह पर तीन चैन लेंगे, एक दो और तीन, तीन चैन लेकर के इसी चैन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ही चैन में दो हो गया, हर एक चैन में हमें दो दो बनाना है। देखिए इस तरह से फिर से नेक्स्ट चैन में दो बार ऐसे, फिर से नेक्स्ट में दो बार, हर एक चेन में दो दो बार हम डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने तीन चेन बनाई थी, इसकी पहली वाली चेन में डाल करके राउंड को ज्वाइंट कर देंगे। हर एक चेन में हमने दो दो बना लिया है। हमारे पास आखिरी रो में 17 चेन थी तो 17 में हमने दो दो बना लिए है। और अब हमारी दूसरी रो स्टार्ट होती है। तो तीन की चेन के ऊपर हमने तीन की चेन बना दी, अब नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर सेम चेन में दो बार, एक चेन में एक बार, इसे हम एक डबल क्रोशा काउंट करेंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से एक बार डबल क्रोशे, फिर से नेक्स्ट में दो बार। अब दूसरे राउंड में हमारे पास इस तरह से बनेगा, एक चेन में एक बार और एक चेन में दो बार। देखिए एक बार किया, फिर से नेक्स्ट में सेम चेन में दो बार। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। देखिए देखिए हमारे पास आखिरी में दो आए हैं, राउंड कंप्लीट हो गया। फिर से हम तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। और फिर से तीसरी रो स्टार्ट करेंगे, तीन चेन ले ली, नेक्स्ट वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो दो चेन में एक एक हो गया, अब तीसरी वाली चेन में दो बनाएंगे। अब हमें इस तरह से करना है, दो चेन में एक एक डबल क्रोशिया और तीसरी वाली चेन में दो बार। देखिए यहाँ पर सेम चेन में दो बनाया, फिर नेक्स्ट में एक, फिर से नेक्स्ट में एक, दो चेन में एक एक किया, अब तीसरी वाली चेन में सेम चेन में दो बार, एक और ये दो। तो इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर दीजिए। अब दो चेन में एक एक, इसके बाद की रो है इसमें तीन चेन में एक एक, चौथी चेन में दो। तो इस तरह से हमने इसमें चार रो बनाई है। तो इसके बाद मैं और एक रो बना लेती हूँ। तो इसी तरह से आप घेरा बना लीजिए। देखिए हमने चार रो बना दी है, चौथी रो हमारी आखिरी वाली चेन में दो बनाएंगे,
कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम राउंड को जॉइंट कर देंगे, देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर राउंड को जॉइंट करना है। एक बार स्लिप स्टिच किया और फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच करके राउंड को जॉइंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर से अब हमारी पैटर्न स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर से हम धागा चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हम ये वाला पर्पल धागा स्टार्ट करेंगे, ये वाला। यहाँ पर नॉट लगा देंगे और फिर यहीं से ही अगली वाली चेन में, यहाँ पर तो हमने एक बार स्लिप स्टिच बनाई, अगली वाली चेन में भी एक बार इस वाले धागे से स्लिप स्टिच करके राउंड को स्टार्ट कर देंगे ऐसे। और अब हम इन दोनों धागों को साथ ले लेंगे, येलो वाला धागा अब नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे, जहाँ पर जॉइंट किया वहाँ पर ही हमने तीन चेन बनाई। अब इसी चेन के अंदर हमें डबल क्रोशे बनाना है तीन बार, सेम प्लेस पर जहाँ पर हमने जॉइंट किया वहीं पर हमने तीन चेन बनाई और इसी के अंदर तीन बार डबल क्रोशिया भी करेंगे। दो हो गया, ये वाला तीन। टोटल हमें चार डबल क्रोशिया चाहिए, लेकिन तीन की चेन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो ये चार हो गया, सेम चेन में हमने बनाया। अब हम यहाँ से दो चेन स्किप करेंगे, एक और दो, और तीसरी वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशिया। दो हमने यहाँ पर स्किप किया बीच में, और अब हम यहाँ पर एक दो और तीन चेन बनाएंगे। और इसी के अंदर जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया है, इसी के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाया और इस तरह से वी स्टिच किया, देखिए। और फिर से अब हमें चेन नहीं लेनी है, और फिर से येलो वाला धागा हम थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे, बाद में इसमें नीडल में पिरो करके नॉट लगा देंगे। और अब हमें यहाँ पर वी स्टिच के बाद फिर से अब हमें चेन नहीं लेनी है कोई, दो चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशिया करेंगे, सेम चेन में चार बार, जैसे हमने यहाँ पर किया था, एक दो तीन और ये चार, चार बार हमने टोटल डबल क्रोशिया बनाया। फिर से हम यहाँ पर दो चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से यहाँ पर एक दो और तीन चेन बनाएंगे। और जहाँ पर ये वाला डबल क्रोशिया किया है वहीं पर सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया करेंगे ऐसे। और फिर से एक और दो चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में चार बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हमारी पैटर्न बनती जाएगी, सेम प्लेस पर चार बार, तीन और ये चार, फिर से दो चेन स्किप करेंगे, एक और दो, फिर से इसमें वी स्टिच बनाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया, तीन चेन, फिर से एक बार डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। और एक पैटर्न के लिए हमें छः चेन चाहिए, देखिए पहली में हमने चार बनाए फिर दो स्किप की, तो ये दो और एक ये तीन हो गई, फिर से यहाँ पर एक में बनाया और दो स्किप किया, तो तीन ये और तीन ये, छः। एक पैटर्न के लिए हमारे छः चेन यूज़ होंगे। तो छः से मल्टीप्लाई अप्लाई करके ये आखिरी वाले राउंड में आप चेन गिन लीजिए और फिर इसके बाद पैटर्न बनाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे चार आए हैं आखिरी में, तो इसके बाजू में जब एंड आएगा तब हमारे वी स्टिच इसके पास में आने चाहिए। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया, आखिरी में हमने वी स्टिच बना ली। यहाँ पर हमारे चार डबल क्रोशे थे तो ये वी स्टिच आनी चाहिए। और अब हमने यहाँ पर देखिए ये वाली तीन चेन हमने बनाई थी पहले, इसमें डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। और अब हम एक चेन लेकर के इसी जगह पर एक बार हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, जिस चेन में हमने चेन बनाई जॉइंट किया इसी चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन में दूसरी बार बनाएंगे, दूसरी बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक दो और तीन चेन ली और इसी के दो लूप उठा करके देखिए स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया ऐसे। और फिर से जो दो चेन बाकी थी इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चार चेन थी टोटल हमारी, यहाँ पर बीच में हमने इस तरह से बनाया।
और अब हम ये वाला जो वी स्टिच है हमारा, इस हॉल में जा करके एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक बार हाफ डबल क्रोशिया और एक बार डबल क्रोशिया, ऐसे हो गया। फिर एक दो और तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद जो ये पहली चेन है हमारी, तीन चेन ली हमने, इसमें जो पहली चेन है इसके अंदर डाल करके ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से एक दो और तीन, फिर से पहली चेन के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से एक दो और तीन, फिर से पहली चेन के अंदर स्लिप स्टिच। तो तीन बार हो गया। इसके बाद ये जो दो लूप है डबल क्रोशे के ऊपर का, इसमें डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। और फिर यहाँ पर इसी के अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया, तो ऐसे हमारी ये पत्ती बन जाएगी। और फिर ये चार डबल क्रोशिया आ गया, इसके पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया और दूसरे के ऊपर सिंगल क्रोशिया। दूसरे के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद तीन चेन, और फिर इसी के दो लूप उठा करके स्लिप स्टिच ऐसे। और फिर से नेक्स्ट वाले जो दो डबल क्रोशे थे हमारे, इसके ऊपर एक एक के ऊपर सिंगल क्रोशिया, तो दो बार हो गया ऐसे। और फिर से हमारी वी स्टिच आ गई, तो इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया, तीनों बन गया। अब हम यहाँ पर एक दो और तीन चेन बनाएंगे, पहली वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से एक दो और तीन चेन, फिर से पहली वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच, और फिर से एक दो और तीन चेन, फिर से पहली वाली चेन में स्लिप स्टिच, तीन बार इस तरह से हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पर डबल क्रोशे के ऊपर का जो दो लूप है इसे उठा करके इसके अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और फिर इसी के अंदर हाफ डबल क्रोशिया एक बार और एक बार सिंगल क्रोशिया। और फिर से ये जो चार डबल क्रोशे है, इसके पहले वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया, दूसरे वाले के ऊपर फिर से एक बार, और फिर से एक दो और तीन चेन, सिंगल क्रोशे के दो लूप उठा करके स्लिप स्टिच, फिर से दो डबल क्रोशे के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया। तो फिर से हमारी वी स्टिच आ गई, तो इसके अंदर फिर से इस तरह की कली बना लेंगे। तो ऐसे ही हम राउंड को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है। यहाँ पर अगली वाली जो वी स्टिच है इसके अंदर हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक बार हाफ डबल क्रोशिया और एक बार डबल क्रोशिया। और जैसे हमने पहले बनाया था इसी तरीके से तीन चेन, पहली चेन में स्लिप स्टिच, फिर से तीन चेन, पहली चेन में स्लिप स्टिच, इसी तरह से हमें तीन बार करना है, तीन तीन चेन और एक बार स्लिप स्टिच। तीन बार हो जाए, इसके बाद ये वाला दो लूप उठा करके स्लिप स्टिच ऐसे। और फिर से इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया और ये सिंगल क्रोशिया। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ तक हम आ गए। और अब हमने जो पहला यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। ऐसे डाल करके यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। पहला सिंगल क्रोशिया हमारा थोड़ा सा टाइट है, तो स्लिप स्टिच करने में देर लगेगी, लेकिन हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा लंबा रख करके धागे को काटेंगे, फिर नीडल में पिरो करके इसकी नॉट लगा देंगे। देखिए देखिए नीडल में धागा पिरो लिया है। अब हम यहाँ से इसी के अंदर डाल करके नीचे की ओर निकाल देंगे ऐसे। देखिए और अब हम यहाँ पर पीछे थोड़ा थोड़ा स्टिच में लेते जाएंगे और फिर घुमाते जाएंगे और बीच बीच में नॉट भी लगाते जाएंगे, फिर बाद में धागे को काट देंगे इस तरह से। नीडल की मदद से अगर आप नॉट लगाएंगे तो एकदम से हमारा वर्क भी फिनिश दिखेगा और ये नॉट भी हमारी वॉश करने पर भी खुल नहीं सकती। इस तरह से थोड़े थोड़े स्टिच लेते जाइए और धागे को घुमाते जाइए।
तो देखिए नॉट हमने लगा दी है, ड्रेस बन करके रेडी हो गई है। अब चाहे तो इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर वी स्टिच के बीच में जो हॉल है वहाँ पर मोती भी लगा सकते हैं, या तो यहाँ पर भी आप कोई छोटा सा स्टोन वगैरह हो तो वो भी लगा सकते हैं यहाँ पर भी। तो आप चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं और चाहे इस नंबर से भी इसे बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ मेरा सिखाने का तरीका आपको समझ आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।